हेलो गाइस, अर्णव गोस्वामी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और अर्णव गोस्वामी के अर्णव गोस्वामी के फैंस हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी और दुख की बात है गाइस कि अर्णव गोस्वामी को आज बेल नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बेल जो है सुनवाई किया है जज ने और जज सुनवाई करने के बाद जो है उनके बेल को खारिज कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। रीजन क्या हुआ है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं जिसकी वजह से ये अर्णव गोस्वामी का जो बेल है वो खारिज नहीं किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है कल के लिए। मतलब अब जो सुनवाई आज होने वाली थी, जो आज केस पे सुनवाई होने वाली थी वो नहीं हुई है, वो कल होगी और उसके बाद ही उस पर कोई अपडेट आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो है निलोपतल ने भी इस चीज को अपडेट दिया है और बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी आपको जाके देख सकते हैं कि अर्णव गोस्वामी को जो है बेल आज जो है एक्सटेंड करके कल के लिए कर दी गई है। कल जो है इस पे सुनवाई होगी और उसके बाद ही जो है अर्णव गोस्वामी को बेल मिलेगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि निलोपतल ने क्या लिखा है जिस पर। आप देख सकते हैं अभी हम निलोपतल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे हैं और निलोपतल ने अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट करके ये रिप्लाई दिया है, ये मतलब इन्फॉर्म किया है कि अर्णव गोस्वामी को जो है बेल नहीं मिली है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन एंड अमेंडमेंट इन द पेटिशन ऑफ अर्णव, हेयरिंग इज गोइंग टू बी द हेल्ड टुमारो अगेन। मतलब इसकी जो है सुनवाई जो है अर्णव गोस्वामी केस पे वो कल होगी क्योंकि कुछ संशोधन था, जो केस में कुछ संशोधन था फाइल के उसमें और पेटिशन में, और साथ में ही कुछ टेक्निकल इशूज थे, उन दोनों की वजह से जो है कल इस सुनवाई को जो है टाल दिया गया है आज, और ये सुनवाई अब कल होगी और इस पे कल ही पता चलेगा कि अर्णव गोस्वामी को जो है बेल मिलेगी या नहीं। ताकि आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।